नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेश कुमार। आज बात करेंगे आपकी थाली की और हमारी भी थाली की, जिसमें रोटी सब्जी और चावल तो है, लेकिन धीरे धीरे दाल गायब हो रही है। कीमतें इस कदर आसमान में चल रही हैं कि दाल के बारे में सोचना भी लोगों को परेशान कर रहा है। दावे तो तमाम किए जा रहे हैं कि दाल की कीमतें कम की जाएंगी, लेकिन नतीजा कुछ भी निकलता नजर नहीं आ रहा है। चुनाव के शोर में कहाँ कहाँ से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन दाल की बात कोई नहीं कर रहा। सभी दलों के नेता यही सोच रहे हैं कि दूसरों की दाल न गल पाए, लेकिन आम आदमी यही सोच रहा है कि आखिर हमारी दाल कब गलेगी। हमारी, आपकी और हम सबकी पसंदीदा दाल धीरे धीरे हमारी थाली से दूर हो रही है। दाम तो इस कदर आसमान चढ़ रहे हैं कि लोग हैरान परेशान हैं कि आखिर हमारी दाल को हो क्या गया। कल तक जो आसानी से चावल रोटी के साथ नसीब हो रही थी, उसे खरीदने के लिए अब हौसला चाहिए। यकीन नहीं आता कि क्या ये वही दाल है जो हमें कल तक हासिल थी। आखिर आम लोगों की दाल कब गलेगी। बिहार और झारखंड में भोजन की थाली बिना दाल के कभी पूरी नहीं होती। दाल में भी सबसे ज्यादा रुतबा अरहर की दाल को हासिल है। अमीर हो या गरीब, समाज का कोई भी तबका हो, दाल गाढ़ी हो या पतली, चाहे जैसी भी हो, दाल के बिना कीमती से कीमती थाली भी अधूरी लगती है। लेकिन अब हम सबकी पसंदीदा दाल धीरे धीरे थाली से दूर हो रही है। भाव ऐसे आसमान की तरफ चढ़ रहे हैं कि आम आदमी बस दो टूक देखने के सिवाय कुछ भी नहीं कर पाता। 3 महीने में दाल के दामों में आग लग गई है। पहले अरहर की दाल 100 रुपए किलो थी, अब 180 रुपए किलो बिक रही है अरहर की दाल। अरहर दाल में 80% का इजाफा हुआ। कई इलाकों में अरहर दाल 200 रुपए प्रति किलो बिक रही है। उड़द की दाल 3 महीने में 32% महंगी हो गई। उड़द 110 रुपए से बढ़कर 145 रुपए पहुंच गई। मूंग की दाल 20% महंगी हो गई। चना दाल भी करीब 30% महंगी हुई। दाल की कीमतों के इससे दिल तोड़ने वाली दास्तान से आम आदमी भी हैरान परेशान है। डेली सर उसका दाम बढ़ रहा है, पता है। आज हम जो है उसको 130 बेच रहे हैं, और जब परचेजिंग करते हैं तो 155 रुपये खरीद रहे हैं। फिर कल दूसरा चीज हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो चिकन ज्यादा सस्ता है, चिकन 100 रुपये के जी है। दाल अभी भी 100 से ऊपर है, 150 से 160 रुपये के जी दाल है। तो दाल से बढ़िया लोग चिकन खाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन जो अभी त्योहारी मौसम है, त्योहारी मौसम में अभी नॉनवेज वगैरह लोग नहीं खा रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में अरहर दाल का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में कम बारिश होने की वजह से फसलें प्रभावित हुई। अब ये माना जा रहा है कि दिसंबर में कर्नाटक और महाराष्ट्र से देसी अरहर की दाल की आवक के बाद भावों में गिरावट आ सकती है। अब इसी उम्मीद पर आम आदमी बिना दाल का निवाला खा रहे हैं कि कब दाल सस्ती हो और उनकी रोटी दाल का स्वाद ले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दाल की कीमतें आसमान छू रही हैं। आम आदमी दाल की बजाय चिकन खाना ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं, लेकिन त्योहारी सीजन में दाल मजबूरी भी बनती जा रही है। सवाल ये उठ रहा है कि लोग आखिर दाल खाएं तो खाएं कैसे, क्योंकि दाल अब आम आदमी की खरीद के बस की बात नहीं रही। दुकानदार परेशान हैं क्योंकि दाल की बिक्री अब घट रही है। अब सबको इंतज़ार हालात सामान्य होने का है, बाजार में दाल की कीमतों का हाल जाना। जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा ने। दाल की क्राइसिस को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने दाल को आयात करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही साथ अगले साल ये ध्यान रखा जाएगा कि दाल का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो सके, लेकिन फिलहाल अभी स्थिति बहुत विकट बनी हुई है। आम आदमी के थाली से दाल गायब हो चुका है और कीमतें आसमान छू रही है। मसूर दाल 98 रुपए के जी, राहर 180 रुपए के जी और चना दाल 76, उड़द दाल 150 रुपए के जी यहाँ पर ग्राहकों को खरीदने पड़ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि दाल की कीमत चिकन से ज्यादा हो गई है। इस वक्त हम लोग एक पटना का रिटेल शॉप पर हैं और वहाँ ये स्थिति है। जो यहाँ पर दाल बेच रहे हैं,
जो दुकानदार, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या परिस्थिति है। ये बताइए सर कि क्या परिस्थिति है, दाल की कीमतें इतना आसमान क्यों छू रही हैं? वो डेली सर उसका दाम बढ़ रहा है, पता है आज हम जो है उसको 130 बेच रहे हैं और जब परचेजिंग करते हैं तो 155 रुपये खरीद रहे हैं, फिर कल दूसरा चीज़ हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे अभी हमने रूम पे टीवी पे देख के आए हैं कि बाहर वाली दुकान में कहीं भी राजमा 180 रुपये, मूंग दाल 160 रुपये, चना दाल जो हम बेच रहे हैं अभी 70-76 रुपये, उसका दाम दिखाया जा रहा है कि 100 रुपये किलो। आप लोगों ने जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों लगातार बोल रहे हैं कि इस बार पैदावार कम हुआ है या क्या हुआ, बाहर से आ रहा है, बाहर से भी दाल आया है तो वो यहाँ बंदरगाह पे फंसा हुआ है, 3,000 टन वहाँ फंसा हुआ है तो वो आएगा तब ना, मतलब ये होगा, इसमें आम पब्लिक मर रहा है, बिल्कुल मर रहा है। अच्छा, ये कालाबाजारी की भी शंका है क्या? कालाबाजारी है, बड़े बड़े उद्योगपति जो है वो डाब के उसी को बेच रहे हैं, दाल तो मार्केट में है ना कहीं दाल है जो आके निकाल के बिक रहा है, तो जो बड़े बड़े पूंजीपति है वो सब इसको दाब के और धीरे धीरे अपना रिलीज कर रहे हैं और बेच रहे हैं। अच्छा, आपके बिजनेस पर क्या असर पड़ा है? दाल दाल जो आदमी लिखाते हैं 4 किलो, फिर दाम पूछते हैं तो सीधे वो 1 किलो हो जाते हैं, और अच्छे अच्छे आदमी जो अच्छे घर के आदमी हैं, आम पब्लिक तो दाल खरीदना ही समझ ही छोड़ दिया, इतना दाल जो सबसे सस्ता है वो लेता है 1 किलो आधा किलो 2 किलो, रहा दाल बहुत सा सेल कम हो गया, मूंग दाल कम हो गया, सब कुछ उसका जो है बहुत बुरा हाल है, मतलब मार्केट का हाल जो है ठीक नहीं। देखिए, दाल को कम से कम आम माना जाता था, लेकिन दाल अब आम आदमी के लिए नहीं है, खास लोग ही दाल खरीद पा रहे हैं, और सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि दाल की बिक्री अब कम हो गई है, और ये बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार अब लगभग 1,07,00,000 टन दाल का आयात करेगी, लेकिन स्थिति अभी सामान्य नहीं है, दाल की बिक्री कम हो चुकी है, आम आदमी ने इस्तेमाल करना छोड़ दिया है दाल। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर स्थिति सामान्य कब होगी। कैमरामैन गंधर्व के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। तो मैं आपको बता दें कि दाल के दाम में आग लगी हुई है, आम आदमी के वश का अब नहीं रह गया है दाल खरीदना, क्योंकि दाल की कीमतें जो पिछले महीने 100 रुपये थी या 3 महीने पहले 4 महीने पहले 100 रुपये बिक रही थी, वो अब सीधे 200 रुपये हो गई है, तो 80% से ज़्यादा की बढ़ोतरी। आखिर आम आदमी दाल खरीदे भी तो कैसे? तो पहले अरहर की जो दाल 100 रुपये किलो बिक रही थी, अब वही अरहर की दाल मार्केट में 180 रुपये 170 रुपये किलो बिक रही है, तो आप सोच सकते हैं कि महंगाई ने किस कदर हमला बोला है। तकरीबन 80% का इजाफा हुआ है अरहर की दाल में, वही अरहर की दाल जो कुछ दिनों पहले तक 6 महीने पहले तक 70-80 रुपये में मिल जाती थी, अब 180 रुपये में मिलती है। कई इलाकों में ये हाल हो गया है कि अगर अच्छी क्वालिटी के आप अरहर की दाल चाहते हैं तो 200 रुपये किलो तक आपको अरहर की दाल के चुकाने पड़ेंगे। उड़द की दाल 3 महीने में 32% महंगी हो गई है, यानी उड़द की दाल भी आप आसानी से नहीं खा सकते, उसकी भी कीमतें आसमान चल रही हैं, 110 रुपये से बढ़कर 145 रुपये तक पहुंच गई है उड़द की दाल। और मूंग की अगर हम बात करें तो मूंग की दाल 20% महंगी हो गई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर दाल की कीमतें आसमान चल रही हैं। चना दाल भी करीब 30% महंगा हो गया है, ऐसे में आप आसानी से समझ सकते हैं कि आम आदमी आखिर दाल का इस्तेमाल करे भी तो कैसे, किस तरीके से आम आदमी अपनी थाली में दाल रखे, क्योंकि दाल अब हर किसी के वश की बात नहीं रह गई है। तो दाल अब धीरे धीरे हमारी थाली से दूर हो रही है, दाम कम करने के दावे तमाम हो रहे हैं, लेकिन कुछ नतीजा निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। नतीजा, हम सबकी पसंदीदा दाल धीरे धीरे हमारी थाली से गायब हो रही है। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रांची से जी मीडिया संवाददाता मनीष मेहता। मनीष, दाल को लेकर जितनी जरूरत है लोगों की, क्या उतनी ही सक्रियता सरकारें भी दिखा रही हैं उसके दाम कम करने को लेकर? देखिए, अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल जो है स्थिति काफी चिंताजनक है, जैसे कि बाकी देश के दूसरे हिस्सों में है। आज रांची के अगर बाजारों की बात करें तो तकरीबन 165 रुपए किलो अरहर की दाल रांची के बाजारों में है, 103 रुपए हम कह सकते हैं कि दूसरी दालों की कीमत थी, मसूर की दाल और 75 रुपए चना दाल कीमत चल रही है। फिलहाल जिस तरह से हमने लोगों से बात की तो उनका साफ कहना था कि जो कीमतों में जो उछाल आया है लगातार, इस वजह से उनके किचन का जो बजट है उसमें काफी ज्यादा असर हुआ है, और जो लोग नियमित रूप से दाल खाते थे उनका कहना है कि अब वो दाल का कई ऑप्शन तैयार कर रहे हैं, जैसे राजमा हो गया या फिर दूसरी चीजें हो गई है, तो इसको लेकर के काफी लोगों के भीतर काफी गुस्सा है। वो लोग चाहते हैं कि सरकार इसको लेके
जल्द कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाए। हालांकि जब हम लोगों ने उनसे पूछा कि कई लोगों से हमने बात की, उनका हमने उनसे कहा कि केंद्र सरकार अब विदेशों से दाल की आयात करने की तैयारी कर रही है, इस पर लोगों का साफ कहना था कि अगर जिस तरीके से दाल की कीमतों में उछाल आया है, इसको लेकर के सरकार को पहले से ही इस तरह की तमाम तैयारियां कर लेनी थी। आज की डेट में आप देखिए कि त्योहारों का मौसम है और लोग कीमतों में उछाल को लेकर काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। जी मनीष, ये जो कीमतें बढ़ी हैं, ये कोई सामान्य बढ़ोतरी नहीं है। इस तरह के जैसे दोगुना बढ़ जाना या 80% की बढ़ोतरी, 70% की बढ़ोतरी, ये तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी आफत आने वाली है, खासकर दाल को लेकर, क्योंकि बिना दाल के भोजन तो बिहार झारखंड की थालियों में तो हमें नज़र नहीं आता है। और अगर दाल अब इतनी महंगी बिक रही है मार्केट में, तो ये बताइए कि दाल की क्वालिटी में, उसके उसमें मिलावट में और लोगों के पोषण में इससे कितना फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। जैसे आज हमने एक महिला से बात की तो उनका साफ कहना था कि उनके छोटे से 3-4 साल का उनका एक छोटा सा बच्चा था उनके साथ में, गोद में, जो कि शॉपिंग करने दाल खरीदने के लिए आई हुई थी। उनका साफ कहना था कि देखिए, हम लोग तो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हम लोग वर्किंग लेडी है, हम लोग हर महीने पैसा मिलता है, इसके बावजूद हमारे घर का बजट इस तरह से हो गया है कि हमें मजबूरी है कि अपने बच्चों को दाल खिलाना, इसलिए हम दाल लेने आए हैं। खुद हम लोग भले ही उसका डेली यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को देना जरूरी है क्योंकि वो एक पौष्टिक आहार है। दूसरी बात जो उन्होंने चोट की वो ये कि आज के डेट में उनका साफ कहना था कि ऐसा नहीं है कि बाजार में दाल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हुई है जिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहा, और यही वजह है कि दाल की कीमतों में लगातार उछाल आया। हालांकि इस पर कुछ लोगों का ये कहना था कि भारत सरकार जब आगे बढ़ करके उन्होंने ये घोषणा कर दी कि हम विदेशों से दाल का आयात करेंगे, तब जाकर के दाल की कीमतों में उछाल बहुत हद तक रुकी है, लेकिन जिस तरीके से दाल की कीमतों में इजाफा हुआ है, इसको लेकर झारखंड में आम लोग काफी चिंतित है। और उनका कहना यही है कि सरकार को इस मसले पर कठोरता से नजर रखनी चाहिए, और जिस तरीके से कालाबाजारी हो रही है या कुछ लोग दाल को हम कह सकते हैं कि ऊंचे कीमतों पर बेचने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर सरकार को नजर रखनी चाहिए थी और ये तमाम उपाय पहले से देखना चाहिए था, क्योंकि सरकार जो स्टेप अब उठा रही है, लोगों का कहना यह है कि इन तमाम स्टेप्स को पहले उठाना चाहिए था ताकि त्योहारों के मौसम में आम लोग जो प्रभावित हो रहे हैं, ये प्रभावित होने से वो बचते। जी मनीष, बहुत शुक्रिया आपका इससे तमाम जानकारी के लिए। तो आम लोग ये कह रहे हैं कि जो ये स्टेप अब उठाया जा रहा है, ये बहुत पहले उठाया जाना चाहिए था, जिससे कि लोगों को इस मुसीबत का सामना ही नहीं करना पड़ता। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि दाल धीरे धीरे हमारी थाली से गायब हो रही है, और यकीन मानिए किसी ने सोचा भी नहीं था कि दाल अचानक से इतनी महंगी हो जाएगी। आज देश के लोगों को ये गीत गाना बड़ा महंगा साबित हो रहा है। क्योंकि देश में लोगों की दाल नहीं गल रही, गरीब की थाली का अहम हिस्सा दाल अब गायब हो चुकी है। देश की दाल आखिर कब गलेगी? बस करो सरकार, अब तो हद ही हो गई। दाल की कीमत 200 रुपए के करीब पहुंच गई है। देश के लोगों के घरों में दाल पकना कितना महंगा होता जा रहा है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों ने दाल खाना या तो छोड़ दिया है या फिर बेहद कम कर दिया है। पिछले एक महीने में दालों की कीमतें 50% से ज्यादा बढ़ चुकी है। जरा गौर कीजिए रिटेल में दाम की मौजूदा कीमतों पर। अरहर की दाल 15 दिन पहले 140 रुपए प्रति किलो मिल रही थी, अब ये 170 से 181 रुपए किलो बिक रही है। उड़द की दाल 15 दिन पहले 125 रुपए प्रति किलो मिल रही थी, अब ये 187 रुपए किलो बिक रही है। मूंग की दाल पहले 110 रुपए किलो मिल रही थी, अब ये 140 रुपए प्रति किलो बिक रही है। मसूर की दाल 15 दिन पहले 70 रुपए प्रति किलो बिक रही थी, अब ये 110 रुपए प्रति किलो बिक रही है। सबसे सस्ती चने की दाल है, जो पहले 60 रुपए किलो बिक रही थी, अब ये 100 रुपए प्रति किलो बिक रही है। ये राजमा कभी जम्मू कश्मीर की पहचान हुआ करते थे, जम्मू में जो मेहमान आते थे उनको राजमा चावल के साथ उनका स्वागत किया जाता था। इसके साथ ये
ये काले जो वहाँ हैं इनकी इनकी दाल जो है इसके साथ जम्मू को जो है दाल मखनी जो है यहाँ पे जो है बड़ी मशहूर थी उसके साथ जो है उनका जो है स्वागत किया जाता था। आज ये दाल और ये राजमा जो है लोगों की पहुँच से बाहर होते जाते हैं। राजमा जो है रिटेल मार्केट में 180 के किलो के करीब बिक रहा है जबकि होलसेल में इसकी मार्केट जो है 145 से 160 के बीच हो रही है। देश के किसी भी हिस्से में चले जाइए, दाल की कीमतें आसमान छू रही हैं। दाल के दाम आसमान छू रहे हैं, चाहे वो तुअर की दाल हो या मसूर की दाल हो, मूंग की दाल हो, सभी जगह देश में दाल के जो रेट्स है वो आसमान छू रहे हैं। 6 महीने पहले आपके पास तुअर की दाल का रेट क्या था और आज क्या है? 85-90 रुपीज था सर। 6 महीने पहले 85-90 रुपीज था, आज 150-170 तक है, 150-160 रेंज है अच्छा वाला। तो ये होलसेल रेट बता रहे हैं आप, तो रिटेल कितना हो सकता है? अब एक एक एरिया पे एक रहता वहाँ और 10-15 रुपए बढ़ के रहता सब इधर। शाकाहारी लोगों के लिए तो दाल ही प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होती है जिससे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में मदद मिलती है। दालों की खासियत ये होती है कि आंच पर पकने के बाद भी उनके पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। मांसाहारी लोग तो गोश्त से प्रोटीन की जरूरत पूरी कर लेते हैं, लेकिन चिकन से भी महंगी हो गई दाल अब शाकाहारियों की पहुँच से बाहर हो रही है। ऐसे में शाकाहारी प्रोटीन की जरूरत को कैसे पूरी करेंगे? Now being a vegetarian is more costlier than being a non-vegetarian. I'm a vegetarian as such, so I feel it's better being a non-vegetarian than a vegetarian because we can't do without dal each day. जुलाई 2015 में सरकार की तरफ से जानकारी दी गई थी कि एक साल में दालों के भाव 12.5% से लेकर 41% तक बढ़े हैं, लेकिन जुलाई से अब तक दालों की दामों में 80% तक का इजाफा हो गया है। इधर दिल्ली सरकार 100 केंद्रीय भंडार में आज से सस्ती अरहर की दाल बेचेगी। मदर डेयरी के 300 सफल आउटलेट्स पर भी सस्ती दाल बेची जाएगी। इस बार दालों की महंगाई को इसलिए भी खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि सितंबर में मूंग और उड़द की दाल की नई फसल आ जाती है और दालों की कीमतें भी कम होने लगती हैं। लेकिन इस बार आधा अक्टूबर खत्म होने के बावजूद दालों की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही है और आगे भी दालों के दाम कम होने की कोई संभावना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये रिपोर्ट आपने देखी कि केवल बिहार झारखंड में ही नहीं पूरे देश में ये दाल का मुद्दा जो है वो सबसे अहम है। लगातार दाल महंगी हो रही है और लोगों की थाली से जो गायब हो रही है धीरे धीरे दाल, तो अब तमाम लोग परेशान हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर हैदराबाद तक और तमाम दूसरे जगहों पर भी लोग भारी परेशान हैं। दिल्ली में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो दाल वो आसानी से खरीद लाते थे उन्हें अब खरीदने के लिए उन्हें कई बार सोचना पड़ता है, यानी कि दाल खाना अब सबके वश की बात नहीं रह गई है। महंगी होती दाल से जहां आम लोग परेशान हैं, वहीं इसने सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। आखिर दाल क्यों महंगी हो रही है? सरकार इसकी कीमत नियंत्रित करने में क्यों असफल रही है? इसके साथ ही दाल की महंगाई पर रोक लगाने के लिए सरकार क्या क्या उपाय कर रही है, आइए जानते हैं। सवाल यह है कि दाल की कीमतों पर सरकार लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है? इसके पीछे केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही जिम्मेदार हैं। देश में इस साल 20 लाख टन दाल की कमी है। सरकार का दावा है कि कीमतों में कमी करने के लिए 2000 टन अतिरिक्त दाल आयात की जा रही है। 5000 टन दाल आयात होकर बंदरगाह पर पड़ी हुई है जबकि 2000 टन दाल रास्ते में है। राज्य सरकारें बंदरगाहों पर पड़ी दालों को उठा नहीं रही हैं क्योंकि इसमें उनका खर्च काफी आता है। इसमें मिलिंग चार्ज, ट्रांसपोर्ट का खर्च, पोर्ट हैंडलिंग का खर्च शामिल है। राज्य सरकारों की दलील है कि महंगी दाल खरीद कर महंगी दाल बेचने का क्या फायदा, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि वो राज्यों को प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड से इन खर्चों को देने को तैयार है। इससे राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय कीमत से कम दाम पर दालें मिल सकेंगी। देयरफॉर द हैंडलिंग चार्जेस एट द पोर्ट, द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, द मिलिंग एंड द प्रोसेसिंग चार्जेस, in order to make the price of the pulses more affordable. तो दाल को लेकर आम आदमी भी परेशान है और दाल ने सरकार की मुसीबत भी बढ़ा दी है। अब सरकार विदेश से दाल लाने की तैयारी कर रही है, लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नजर नहीं आता है। जब तक दाल देसी बाजारों में नहीं आएगा, लोगों की परेशानी दूर होती दिखाई नहीं दे रही है।